रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में धर्मजयगढ़, पुसौर व कापू में घटित साइबर क्राइम पर कार्यवाही करते हुए जामताड़ा से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी साइबर क्राइम के जरिए लोगों को ठगने का काम करते थे और लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ निवासी अनुज गोयल ऑनलाइन रुपए ट्रांजेक्शन के लिए SBI यूनो ऐप डाउनलोड कर अन्य के खाते में रुपए ट्रांजेक्शन कराना चाहा। ऐप पर मोबाइल नंबर ऐड नहीं कर पाने से गूगल में कस्टमर केयर नंबर सर्च कर कॉल किया, जो फ्रॉड गिरोह के द्वारा भरोसा दिलाकर उसके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराकर दो बार में 9,50,000 रुपए आहरण कर लिए। साथ ही थाना पुसौर के NTPC लारा के कर्मचारी पोषण लाल बघेल के मोबाइल पर BSNL ऑफिस के नाम पर KYC अपडेट करने के नाम पर KYC सपोर्ट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से 4,18,000 रुपए आरोपी द्वारा आहरण कर लिया गया और कापू के अपराध क्रमांक 30/2022 धारा 420 IPC में मोबाइल दुकान चलाने वाले अरविंद चौहान को 1,500 रुपए फोन पे के ट्रांजेक्शन के नाम पर फ्रॉड गिरोह के सदस्य द्वारा खाते से 3,93,683 रुपए निकाल लिए गए थे। इसी मामले के जांच में जुटी रायगढ़ पुलिस ने अताउल अंसारी, सरफराज अंसारी दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं और ऑनलाइन ठगी का कार्य करते हैं। वहीं दोनों आरोपियों से 10,000 रुपए एवं दोनों के दो मोबाइल एवं 3 SIM की जब्ती की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जामताड़ा के चलने वाले इस ऑनलाइन गिरोह के और भी अपराध पर आगे की जांच में जुट गई है। रायगढ़ जिले में 3 थानों में अपराध पंजीबद्ध हुआ था ऑनलाइन फ्रॉड का, जिसमें कापू थाने में 3,93,000 का फ्रॉड था, पुसौर थाने में 4,18,000 का फ्रॉड था और धर्मजयगढ़ थाने में 9,50,000 का फ्रॉड का केस पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि गिरोह और जो अपराधी हैं वो झारखंड में जामताड़ा जिले और देवघर जिले में निवासरत हैं, जिसमें पुलिस ने रेड किया, जिसमें तीनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उस और मामले में आरोपी अभी जामताड़ा जेल में निवासरत है, जिनको प्रोडक्शन वारंट से लाया जाएगा। कापू मामले में 2 गिरफ्तारियाँ की गई है और धर्मजयगढ़ मामले में 1 गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके साथ जो एसोसिएट हैं इनके, उनका भी नाम खुलासा हो गया है और लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। टोटल इसमें रकम 46,500 की जब्ती की गई है और 7 मोबाइल SIM के साथ जब्त किए गए हैं। उस और मामले में जो जामताड़ा जेल में निवासरत हैं, जो न्यायिक हिरासत में है, उनको प्रोडक्शन वारंट से लाया जाएगा यहाँ पर और उसके साथ भी जो जब्ती है वो भी शुमार की जाएगी अपने केस में। तो इस प्रकार से 3 मामलों में पुलिस को सक्सेसफुल अचीवमेंट हुआ है रायगढ़ पुलिस को। आगे भी ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में पुलिस कार्यवाही करती रहेगी। इन अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड ऐसा कोई? हाँ, एक पुराना रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है कि जैसे जो पुसौर मामले में जो अपराधी न्यायिक हिरासत में है, उसका पुराना रिकॉर्ड सामने आया है जामताड़ा पुलिस से भी, और पूछताछ की जा रही है कि और कोई केसेस बाकी केसेस में भी सामने आ सके। तो सर, इसमें और कोई आरोपी हैं गिरफ्तार करना बाकी? हाँ, और आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया है, उस पर लगातार पुलिस जांच कर रही है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जामताड़ा पर पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है सर, इसकी पुलिस यहाँ तक पहुँची कैसे और कैसे सफलता मिली, कितना विरोध हुआ है? इसमें पुलिस मेनली जो IMAI ट्रैकिंग और मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग से हम लोग आरोपी तक पहुँच पाए थे। इंटेलिजेंस जो गैदर हुआ था वो टेक्निकल इंटेलिजेंस ही था। और आप बता रहे हैं कि विरोध की बात, तो विरोध तो हुआ था जब घर पर दबिश दी गई, तो वहाँ के लोकल हैं और घर वाले हैं वो विरोध प्रदर्शन किए थे, बट पुलिस की संख्या सफिशिएंट थी, झारखंड पुलिस ने भी सपोर्ट किया था, तो हम आरोपियों को सक्सेसफुली गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। कोई ऐप भी बना रखे जिसके जब ठगी होती है? ये ऐप इन्होंने बना नहीं रखा था, जो गूगल में एक ऐप होता है AnyDesk ऐप, उसका ये जनरली यूज़ करते थे और गूगल में अपना कस्टमर केयर नंबर लगा के रखते थे कि आप अगर जैसे SBI कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं तो SBI कस्टमर केयर को कॉल ना करके वो उनके नंबर पर हम कॉल कर देते थे, जिससे जो प्रार्थी है उसको लगता था कि हमने SBI कस्टमर केयर को कॉल किया है, बट वो एक फ्रॉड का कस्टमर केयर को। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।